बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे सी रहा टाइम न्यूज़ प्रोग्राम व्यूज़ टाइम, आवा यहाँ महताब अली नूर। नज़र सैटरडे स्पेशल व्यूज़ टाइम जो स्पेशल एडिशन कंदा आहियूं, मैं कोशिश कंदा आहियूं तो जेका पॉलिटिकल सिचुएशन आहे, जेको कुछ हले पियो, उन खां हटी करे कुछ अहिड़ा टॉपिक्स शामिल कयूं जेके इक्वली इंपॉर्टेंस रखंदड़ हुजनि, उन जो को इम्पैक्ट जेको आहे उहो पवे। ख़ासि तौर ते जेके पैनलिस्ट प्रोग्राम में शामिल हूंदा आहिनि सैटरडे जे ॾींहं ते, उन्हनि जा व्यूज़, उन्हनि जूं सलाहूं, उन्हनि जूं सजेशन्स जेके आहिनि उहे आम माण्हुनि जी ज़िंदगियुनि ते को असरु विझी सघनि, या पावर कॉरिडोर्स ताईं जेको आवाज़ असां पहुचायूं उन ते कुझु इम्प्लीमेंटेशन जेका आहे उहा थी सघे। अॼोके इन व्यूज़ टाइम स्पेशल एडिशन जे लाइ जंहिं टॉपिक जो असां ईअं खणी चइजे त इंतिखाब कयो आहे, उहो आहे महांगाई सां रिलेटेड। ख़ासि तौर ते मुल्क में महांगाई जी जेका शरह तेज़ीअ सां वधे पई, आम भाउ पीउ जी शयूं जेके आहिनि उहे ॾींहों ॾींहुं महांगियूं थींदी पियूं वञनि। तोड़े जो दावाऊं कयूं पियूं वञनि त असां महांगाई ते कंट्रोल कंदासीं। मूंखे यादि ॾियारियां त वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह साहिबु चयो त प्राइज़ लिस्ट जेके आहिनि उहे पाण उहो चेक कंदो, फ्रूट्स जा अघु पाण चेक कंदो, भाॼियुनि जा अघु पाण चेक कंदो, पर उन्हनि ते अमल दरामद थींदी त नज़र न आयो। उबतो वरी इहे शयूं जेके आहिनि अञा वधीक महांगियूं थियूं आहिनि। आम भाउ पीउ जी शयूं, खाइण पीअण जी जेके शयूं आहिनि उन्हनि में तेज़ीअ सां वापो थिए पियो। हिकु रिपोर्ट मूजिबि जेका महांगाई जी शरह आहे हफ़्तेवार महांगाई जी, उहा 31.83%, मतिलबु ॻणितीअ जोगी हद ताईं वधी आहे। हिकु पासो आहे इहो महांगाई जो मईशत जेका उहा ॾींहों ॾींहों अदम इस्तेहकाम जो शिकार थिए पई। गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहनि खां वठी कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स खां वेंदे ॿिया जेके इंडस्ट्रियलिस्ट आहिनि उहे एहतजाज करे रहिया आहिनि, बैंक्स जेके आहिनि उहे LCs न पियूं खोलनि, ऐं LCs न खुलण जे करे जेके परॾेही शिपिंग कंपनीज़ आहिनि, ख़ासि तौर ते जेको कारोबार थींदो आहे समुंड जे रस्ते, उहे शिपिंग कंपनीज़ पंहिंजूं सर्विसिस पाकिस्तान में बंदि करण जो इशारो ॾेई चुकियूं आहिनि, ऐं इन ते ग़ौर फ़िक्र हले पियो। ॿियो वरी अलमियो इहो आहे त पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान में पेट्रोलियम शयुनि जे हवाले सां असांजी क़ौमी कंपनी आहे, उन पारां बि वॉर्निंग ॾिनी वई आहे त डॉलर जी अदम दस्तियाबी जे करे पाकिस्तान में जेके पेट्रोलियम शयुनि जी जो स्टॉक आहे उहो ख़तरनाक हद ताईं घटिजणु लॻो आहे, उन जी खोट पैदा थी वई आहे। इहो बि हिकिड़ो वॾो शॉर्टफॉल साबित थी सघे थो। मुल्क केॾांहुं पियो वञे, अहिड़े क़िस्म जी शयूं जेके आहिनि जे करे थींदियूं त पोइ छा पहिरियां त मुल्क जे दिवाले जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं, हाणे छा बैंक्रप्सी तरफ़ असां वधूं पिया, बैंक्स जेके आहिनि उन्हनि जो दिवालियो थींदो, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जेके सीनियर पैनलिस्ट आहिनि जो असांजे प्रोग्राम में डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहबु अॻूणा सिफारतकार आहिनि, पर मईशत ते बि हिननि जी तमामु घणी नज़र आहे। मुल्क जी मजमू सूरतयाल ते हिननि सां ॻाल्हि ॿोल असां कंदा रहिया आहियूं। उनखां पोइ परवेज़ ताहिर साहबु असांखे जॉइन कनि पिया, इहे अॻूणा चीफ इकोनॉमिस्ट आहिनि, इकोनॉमी ते हिननि जी गहरी नज़र आहे। उन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कंदा आबिद सुलेरी साहबु रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट आहिनि, सोशलिस्ट आहिनि, ऐं इमरान ख़ान जी गवर्नमेंट में इमरान ख़ान जी इकोनॉमी जे हवाले सां जेका थिंक टैंक आहे रही आहे उन जा ई सरबराह रही चुका आहिनि, इहे बि असांखे जॉइन कनि पिया। नसीर मेमर साहब के तारफ़ जा मोहताज न आहिनि, उहे असां सां गॾु आहिनि, ऐं प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहबु उहे बि हर टॉपिक ते पंहिंजी जामे जेका आहे एनालिसिस ॾींदा आहिनि, उन्हनि बि असांखे जॉइन कयो आहे। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब सां रवा खां शुरूआति कयूं पिया प्रोग्राम जी। हीअ जेके ॿ टे पासा डिस्कस कया मूं इंट्रो में, इन्हनि जो असरु तमामु घणो पवे थो, ऐं ख़ासि तौर ते वरी घुमी फिरी आम माण्हू जेको आहे उहो मुतासिर थींदो। अवांजी छा राय आहे? LCs न पियूं खुलनि, डॉलर जी अदम दस्तियाबी आहे, शिपिंग जे ज़रिए जेको ट्रेड थिए थो उहो बंदि थियण जो ख़दशो पैदा थी वियो आहे। उन खां गॾो गॾु वरी कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स डिमांड कई आहे 2500 जे लॻभॻि जहाज़ बंदरगाह ते फाथल आहिनि, उन्हनि खे बि इजाज़त न पई मिले त उहो सामान पंहिंजो जेको आहे ऑफलोड कनि। हीअ मईशत जो जेको तूफ़ान आहे, इहो तूफ़ान हाणे अहिड़े हिसाब सां अची वियो आहे त हर कंहिं शइ खे पाण सां खणी वञण जो जा चांसिस आहिनि हिन तूफ़ान जा। जेके बि तव्हां शयूं ॿुधायूं, जेके बि हाणे सिलसिलो हले थो पियो, उन में इन तूफ़ान खे रोकण लाइ का स्कीम नज़र नथी अचे हुकूमत जी। त शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में त कल्ह बि मां ॻाल्हायां पियो त स्कीमूं मौजूदु आहिनि, पर मथे हफ़्ते किथां डॉलर अचनि, ॿिनि हफ़्तनि जे अंदरि किथां डॉलर अचनि। अॼु मूं पंहिंजो हिकिड़ो आर्टिकल लिखियो आहे, सुभाणे पब्लिश थींदो, उन में मां चयो आहे त नौबत इहा हाणे अची वई आहे त असांखे ऑन डेली बेसिस ॾिसूं त डॉलर किथां था कमाए सघूं आहियूं। उनजो तजवीज़ मां ॾिनमि, मां अचां थो उन ॻाल्हि ते, महांगाई ते तजवीज़ बि मां ॾिनमि त
जी असि एम्बेसीज आज उन्होंने वड़ी वड़ी एम्बेसीज प्रेमिसेज वा वा घर एम्बेसडर्स जहा उन में उन्हें मुल्क में सिंगल कंट्री एग्जीबिशन लगान छो लगान उतें छो जो सिंगल कंट्री एग्जीबिशन जे दुबई में यूएई में या कें भी कंट्री में अफ्रीकन कंट्रीज में जिथे असो माल अस विक्रो कर जो अस थोड़ी घड़ी घनी शह अस ठाऊँ था पाया लोकली तो उनमें उन शस आराम से करूँ तो एम्बेसी प्रेमिसिस के इस्तेमाल किया वे इतना असाजा जी नंढा व्यापारी जनब मार्केट में बाकी जी असा बल्क में फैक्ट्रियों ठाइन थी प्यों खट मिठा थी ठाइन बिस्किट थी ठाइन जी लेदर जो सामान कपड़े जो सामान जी शन थी प्यों उन गाल क्यों कंटेनर खड़ी सीधो एम्बेसी से पहुंचाऊँ यो तरीको आ सजी दुनिया जो तो सिंगल कंट्री एग्जीबिशन बया भी जी कंट्रीज वो पाँच एम्बेसीज के अहाते में वो कंदी रही उतना जी चार डोकड़ मिलन जी चार डॉलर मिलन जल्दी जल्दी पाकिस्तान मोकिलंदा वन तो यो सही तरीको आने सूरत में तहजी जी शिपिंग लाइन बंद थी सस्पेंड करे थी ऑपरेशन टर्किश एयरलाइन पैरियां ही टिकट पाकिस्तान में विक्रो कर बंद कर छो एयरलाइनों के हवाई जहाज जो जी ऑपरेशन उनमें दुखियाई शुरू थी पवी हाँ कुछ दिन में छो जी जी हवाई जहाज कंपनियूज बहर जो उन टिकट वो जो मतलब मोकिलंदा तो उन टिकट के एवज जी रुपये में खरीद कंदा उनके डॉलर मटाए स्टेट बैंक के थ्रू पाँ हेड ऑफिस में हेडक्वार्टर में पाँच मुल्क में मोकिलंदा उ सिलसिलो शिपिंग जो इन वक्त सूरत हाल बाकी जो मामलो आ कंटेनर जो डॉलर न होने के कर एल सी न खोलने के कर उहे को 5,000 खां मथे जेके पिया आहिनि कंटेनर उन में कुझु पैरिशेबल आइटम आहिनि उन में मेडिसिन्स आहिनि उन में सर्जरी जा जेके आला थियनि उन में काफ़ी अहिड़ी शयूं खाधे पीते शयूं दालूं आहिनि ॿियूं शयूं आहिनि जेके माण्हू इस्तेमालु कंदा हुआ गवर्नमेंट खे खपे त जे डॉलर न आहिनि त उन्हनि जो को सब्स्टिट्यूट अवाम खे ते सलाह ॾियणु शुरू कनि न छो जो अवाम खे तयारु त कनि त बाबा तव्हांखे हाणे दालूं न मिलंदियूं तव्हांखे हाणे ऑयल न मिलंदो पाम ऑयल न मिलंदो तव्हांखे मेडिसिन्स में फलाणी मेडिसिन न मिलंदी फार्मेसी कंपनी वारनि खे चवनि त जेके ॿाहिरां तव्हां मेडिसिन इम्पोर्ट था कयो उन्हनि जो ख़ुदारा को सब्स्टिट्यूट तयारु कयो त माना का प्लान त हुअणु खपे हाणे थिए छा थो पियो त तव्हां हुन 4.3 बिलियन टोटल जेके रिज़र्व उहे बि पोएं हफ़्ते जा फिगर आहिनि हाणे घटिजी विया चवनि पिया त 2 करोड़ अची विया आहिनि पर अलाए उनजी ख़बर न आहे रोज़ानो असांखे पेमेंट बि करणी थी पए असांजो हाल इहो आहे त असां वटि एक्सटर्नल इंटरनल पैसा मिलाए उहो रुपयनि में जे तव्हां कन्वर्ट कयो त तक़रीबन 63 ट्रिलियन खरब रुपया जेके आहिनि असां ते कर्ज़ आहिनि हाणे चवणु सवलो आहे अच्छा डॉलर जे लिहाज़ सां मां पहिरियां ॿुधाए चुको आहियां ॿियनि प्रोग्रामनि में तव्हां वटि मईशत जा एक्सपर्ट वेठा आहिनि 130 बिलियन एक्सटर्नल आहे ऐं एतिरो इन खां मथे जेको आहे उहो इंटरनल असांजी रुपीज़ इक्विवेलेंट आहे त असांजी महांगाई वधंदी त न त पोइ छा थींदो अवाम खे ॿुधाइणो इहो आहे त खीसे में पैसा बचाना आहिनि हुकूमत जे तव्हांखे जेके बि रणियूं करणियूं आहिनि कयो तव्हांखे इन जो को खड़ते निकिरण जो को आसरो न आहे हा हुकूमत उहो करे थी सघे त सब्स्टिट्यूट को तलाश करे माण्हुनि खे आसरो ॾिए त असां छा करण वारा आहियूं जेके मां सजेशन्स या ॿिया अहिड़ा खोड़ सजेशन हूंदा उन ते ऐं उन खां अलावा फ्यूल जी जेॾी महिल राशन बंदी जो मां ज़िक्र कयुमि तव्हांजे कल्ह ज़िक्र कयुमि त साइकिल मां घुरायां थो पियो अॼु इनशाला ई अची वेंदी मुंहिंजी साइकिल मां इहे सभु शयूं छो चयुमि मां ॿाहिरां न घुराइजो न पहुचंदो न साईं उहो केमाड़ी में अॼु मूंखे ॾस मिलियो आहे त उते सेकेंड हैंड मार्केट आहे जेके जहाज़ वारा खपाईंदा आहिनि ॿाहिरि जी साइकिलूं सर केमाड़ी में फाथल कंटेनर जो आसरो न कजो सर कंटेनर उते ब्लॉक लॻा पिया आहिनि ऐं तव्हांखे बि खपे साइकिल त उते सेकेंड हैंड सम्झो त लुंडा मार्केट लॻी पई आहे साइकिलनि जी बिल्कुलु खपे हा त हुतां अगरि न बि तव्हांखे पोइ जॾहिं महिल महांगी थी पवंदव त पोइ तव्हां चओ पछताईंदव त इन करे सॼी वठी छॾो हाज़ुर पोइ मां पोइ वरी ब्लैक मार्केटिंग में पैनल खे त नथो पोइ विकिणी सघां न वरी रियायत ते विकिणो पवंदो एनीवेज कमिंग बैक मां इहो ॿुधायां त जेॾी महिल ही फ्यूल जी शॉर्टेज थींदी ऐं थींदी छो न
ॾिसो पी एस ओ त हाणे थो चवे न, मां त तव्हां खां पहिरियां तव्हांखे चवंदो आयो आहियां ॿियनि चैनल्स ते त असां वटि इहा फ्यूल जी खोट इन करे थींदी त डॉलर में फ्यूल थो अचे, सभिनीनि खां वॾे में वॾो असांजो ख़र्च आहे ई डॉलर जो, फ्यूल जा रिज़र्व उहो ख़र्च थिया IMF जो जेसि प्रोग्राम हाणे जेसीं ताईं महीने जे आख़िर में अचनि उन्हनि जी समूरी शयूं असां मञूं, उनखां बाद IMF पैसा ॾोकड़ रिलीज़ करे पोइ ॿिया माण्हू असांखे ॾियनि त शायदि को थोरो घणो रिलीफ मिली वञे, पर असांखे पंहिंजो हाणे शिपिंग लाइन जी बंदि थींदी या सस्पेंड थींदी त चारि पैसनि जो जेको असां 28 बिलियन जो साल में असांजो 28 बिलियन जो उनजे साल में असांजो एक्सपोर्ट थिए थो पियो, एक्सपोर्ट ख़राबु थींदो, एक्सपोर्ट जेके थोरो घणो बचो आहे उहो मुल दुनिया में पहुचंदो कैंसिल न पहुचंदो कैंसिल थी वेंदा, इम्पोर्ट त तव्हां ॾिसी वरितो त उहो ज़ाहिर आहे उनजी प्रॉब्लम आहे, त हीअ हिकिड़ो तमामु वॾो विशेष सर्कल अची वेंदो। ऐं उन में पेट्रोल जो घटियो त पेट्रोल ते जेको आहे बिजली ठहंदी आहे, बिजली न ठहंदी वधीक, मोस्टली पेट्रोल ते बि काफ़ी सारी बिजली ठहे थी पई, त उन में जेके न ठहंदी उहा खोट पवंदी, खोट पवंदी पाणी मथे पंप न चाढ़ींदो, पाणी जी खोट पवंदी पाणी बंदि थींदो, पेट्रोल घटि थींदो, ट्रांसपोर्ट न मिलंदो, ट्रांसपोर्ट न मिलंदो माण्हुनि खे रोज़गार ते न पहुची सघंदा, रोज़गार ख़तमु थींदो, माण्हू जेको घर मोटंदा उन्हनि खे खाइण पीअण जी शइ बि न मिलंदी, उन्हनि खे बिजली पाणी बि न मिलंदो, त रोड ते अची वेहंदा, रोड ते जे वेही रहनि त उनजो जी महिरबानी थींदी, न त पोइ जीअं मां चवंदो आहियां या मरंदा या मारींदा, त हीउ सिलसिलो जेको आहे इनखे कंट्रोल करे था सघूं, ईअं न आहे त असां कंट्रोल नथा करे सघूं, पर उन्हनि खे अहिड़नि एमरजेंसियुनि मामलनि में एमरजेंसी मेजर खयां था वञनि, उहो एमरजेंसी जेके मेजर कहिड़ा आहिनि हुकूमत खे असां ते लिखी बि चुकिया आहियूं, असां टेलीफोन ते बि ॻाल्हायूं था पिया, हीउ ते पंहिंजो ब्रीफ केस खणंदा ऐं हलिया वेंदा, इन्हनि वटि त हिते बि माल पाणी तमामु घणो आहे, ॿाहिरि बि माल पाणी घणो आहे, बाक़ी हिकिड़ो आम माण्हू, असां आम आम माण्हू जी ॻाल्हि था कयूं पिया, जेको माशिरे जो बिल्कुलु पीठियल तबिको आहे उहो त मरी वेंदो न वीचारो बिल्कुलु जी, त इन जे करे इहो ज़रूरी आहे। मां त पंहिंजे घर में बोरिंग कराए नलको हैंडपंप जेको हूंदो न गोठनि में, उहो हैंडपंप लॻाया थो पियो, भले कारो पाणी निकिरे, उनखे वरी पोइ गरम शरम करे उनखे भाप छाप जो करे या फिल्टर लॻाए उनखे पोइ ठीकु करिणो, आरो प्लांट लॻाइबो, पर चवण जो मक़सदु इहो आहे त ग़रीब माण्हुनि खे बि पंहिंजो कुझु न कुझु एमरजेंसी प्लान पंहिंजे ज़हन में रखणु खपे या ज़हनी तौर ते तयारु रहणु खपे, जे ज़हनी तौर ते तयारु न रहिया त शॉक थींदो त उनजो ज़ाहिर असरु। ठीकु आहे डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहिबु, थैंक यू सो मच सर, तजवीज़ूं त तव्हांजूं जेके आहिनि उहे वर्कबल आहिनि बिल्कुलु, ऐं ग़रीब माण्हू खे सोचणु बि खपे। नसीर अहमद साहबु, आबिद सुलेरी साहब बि असांखे जॉइन कंदा होपफुली कुझु देरि में, ऐं परवेज़ ताहिर साहबु बि, अव्हांजो छा ख़्यालु आहे सर, शिपिंग लाइन जेकॾहिं सस्पेंड थी इन जो बि ज़ाहिरी ॻाल्हि असरु पवंदो, ऐं पाकिस्तान जे अंदरि इंडस्ट्रीज़ हूअं ई बंदि थियनि पियूं, आम भाप जूं शयूं महांगियूं थियनि पियूं, कराची चैंबर मुतालबो करे पई त गुज़िरियल केतिरे ई टाइम खां वठी जेके 2500 कंटेनर्स फाथल आहिनि बंदरगाह ते, भला उहे ई जेके आहिनि असांखे ॾियो त उन मां सामान जेको आहे उहो सप्लाई करे सघिजे, पर गवर्नमेंट कंहिं ॻाल्हि ते ध्यानु ई न पई ॾिए। PSO वरी वॉर्निंग ॾिनी आहे त पेट्रोलियम शयूं जेके आहिनि उन्हनि जी बि खोट पैदा थी सघे थी, LCs न खुलण जो सबबु ॼाणायो वियो आहे, डॉलर जी अदम दस्तियाबी आहे, नेट थींदो छा, बैंक्रप्सी सर वधूं पिया। नसीर साहब, मेहताब, ही जमील साहब जिन शयुनि सां इशारो करे थो उहा रियलिटी आहे, मूंखे लॻे थो असां सभिनी खे 50 साल अॻु वारी ज़िंदगीअ ॾांहुं मोटण जूं तयारियूं करणु घुरिजनि, ऐं क्रिटिकल सिचुएशन आहे, हीअ आम रवाजी बुहरान कोन्हे, बुहरान ईंदा आहिनि, पाकिस्तान में इलाही बुहरान अॻु आया आहिनि, पर हीअ नौबत इहा अची वई आहे जो PSO सरकार जो इदारो आहे जंहिं अॼु वान करे छॾियो आहे, हुन चयो आहे त असां ड्राई रन में हलिया वियूं, ड्राई थी वेंदासीं, ड्राई स्ट्रीम ॾाढा लफ़्ज़ यूज़ कया, इहो तमामु सीरियस ॻाल्हि आहे, शिपिंग वारा छा था चवनि तव्हां सभु ॿुधाए विया, इहे सभु शयूं इंटरकनेक्टेड आहिनि, इहे आइसोलेशन में अलॻि अलॻि न पियो थिए, ऐं इहो लॻातार अहिड़ियूं वार्निंग्स अचनि पियूं। सॼी ॻाल्हि जिते फाथल आहे, हींअर त ज़ाहिर आहे जमील साहिबु ठीकु था चवनि त मीडियम ऐं लॉन्ग टर्म खे त पोइ ॾिसंदासीं न, अॼु छा खपे सुभाणे छा खपे की कीअं मोड़ियूं, इन्हनि ॾींहंनि जो डॉलर किथां आणियूं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बि नथी अचे, हाणे असां सॼो इन आसिरे वेठासीं तार साहिब जे चवाणी त दोस्त ममालिक जेके आहिनि न, उन्हनि दोस्त ममालिक ॿुधाए छॾियो आहे चिटनि लफ़्ज़नि में, ऐं
जमील साहब परदेही मामलन जो मायरा काब दोस्ती वोस्ती ना होंगी परदेही मामलन में इंटरेस्ट होंगे बिल्कुल जेस तीन तुम इंटरेस्ट सर्व कदा तेस तीन तवी दोस्ती होंगी तो वो चवन था तवा सा हाँ असा वे रिश्ता नाता ना जो तक सदाई उधरू दई पालींदा वतों बी गाल इंपॉर्टेंट यह है यह गाल समझो तो जन सऊदी जवाब तो दे अणसिधी तरह जदें दुबई लिफ्ट न कराए जदें चीन के पारा भी का चिट्टी इमदाद की गाल ही ना आई अचान तो हिंसर से सामू अची वे ओपन मार्केट में बॉन्ड सेल कर जरा न रहा है आखिरी आसरो होंगे ना तो ओपन मार्केट में जी इंटरनेशनल बॉन्ड सेल कर वे का वे व्याज से दियो खान साहब के तौर में तो तमाम वे व्याज से बॉन्ड सेल कर अज अज व्याज वधायो आ 8 8 सैकड़ो के हन अज वधायो आ व्याज अज वधी आ जी प्रॉब्लम छा तो थे तो आईएमएफ रुगो 1 बिन अरब डॉलर की गाल कने आईएमएफ आए जी अस अग में गाल कई तो जदे तमा के पाड़े जो को चंगो मुड़स को नेक मर तो उधर दी दो आ तो पाड़े जो बियो दुकान वारो बोधर दी दो आ को खीर वारो बोधर दी दो आ ब्या बोधर दी उनके खबर हुंदी आ तो ही जे वडड़े इन के उधर दिनिया माना ही मोटाण जड़ो आए तरह दिली थे बिल्कुल ठीक सो इंटरनेशनल मार्केट में जेका आईएमएफ आ वो मसलो पैसन जो ना है वो क्रेडिबिलिटी जो स्टैंप आ तो जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट ऑपरेट थी करे उन ला बैरोमीटर आ ता आईएमएफ छाती चाहे जदा आईएमएफ ता के उधर जन ला तैयार ना है तपो बाकी को भी मानू तमा के महंगे में महंगे ब्याज ते बोधर जन ला तैयार न थिंदो त मुजो यो ख्याल आ त शॉर्टेस्ट टर्म में डे टू डे जा मसला त पंजी जाते यो कोन थी खबर पे त रेमिटेंसेस घणा पे अचन इनफ्लो केत्रो आ आउटफ्लो केत्रो आ जाहिर आउटफ्लो त थी रहयो हुंदो ना या का हिन क्रिटिकल स्टेज ते गवर्नमेंट जेकर चुप कई वेठी आ माण्हुनि खे कुझु नथी ॿुधाए त पोइ ज़ाहिर आहे त कया सारायूं फ्यूर थींदियूं गवर्नमेंट खे पहिरियों कमु इहो करणु घुरिजे त रोज़ाने जी बुनियाद ते अवाम खे इंटरनेशनल मार्केट खे ही ॾटनि वारा आसरनि वारा बयान न एग्ज़ेक्ट डेटा सां ॿुधाए त शयूं किथे बीठियूं आहिनि ऐं कहिड़ो प्रोसेस किथे बीठो आहे सऊदी वारनि सां ॻाल्हि किथे बीठी आहे आसरो आहे न आहे चीन ॾींदो न ॾींदो छाहे ऐं कहिड़ा शर्त आहिनि उहे बि ॿुधाइनि ओपन मार्केट छा थो रिस्पॉन्ड करे तव्हां बॉन्ड लॉन्च करे ॾिसो ऐं टिनि ॾींहंनि खां पोइ रिपोर्ट करणु शुरू कयो त रिस्पॉन्स छा आहे इहो जेसिताईं सभु कुझु न कंदा त इन्वेस्टर ऐं लैंडर ॿिन्ही जो जेको इतमाद आहे उहो इन सतह ते पहुचंदो ई कोन जो तव्हांखे ॿ रुपया ॾियनि त ही क्राइसिस लाइक सिचुएशन आहे ऐं क्राइसिस पैसे खां वधीक क्राइसिस क्रेडिबिलिटी जो थी वियो आहे तंहिं करे जल्द खां जल्द पाकिस्तान खे जेकर अॻे पोइ तव्हांखे इहो ज़ाहिर जो डुक पीअणो ई आहे न आईएमएफ कतार हाणे को रस्तो बचियो कोन्हे इहा का ॻुझी ॻाल्हि त कान्हे इमरान ख़ान हिन में लेट कई त हीअ हुकूमत उन ते छिती तनक़ीद कंदी ते फ़ैसिलो न करे सघिया ऐं आईएमएफ ते वटि वक़्त सां न विया असां बि चवंदा हुआसीं हीअ छा पिया कनि एग्ज़ैक्टली उहो ई पिया कनि हीअ इनडिसाइसिव आहिनि या अलाए कंहिंजे आसिरे वेठा आहिनि हीअ वेठा आहिनि त मनवा सलवा लहंदो सो हीअ टाइम आहे ऐं टाइम इज़ रनिंग आउट ऑफ हैंड्स इन खां अॻु जो को हिकिड़ो ख़ुदा न करे को अहिड़ो बोहरान जेकर तव्हां श्रीलंका जे अधु जेतिरो बि थियो त तव्हां हिन खे रुगो पैसे जो बोहरान ऐं मानीअ जो बोहरान ऐं खाधे जो बोहरान न ॾिसिजो श्रीलंका 90-95% लिटरेसी वारो फज़ीलत माण्हुनि जो मुल्क हुयो हिते त फॉल्ट लाइन्स आहिनि हिते त घिटी घिटीअ में जुनून था हिते त माण्हुनि जे अखियुनि में रत पियो अॻे ई भरे की माण्हू छा कंदा हिन घिटियुनि घिटियुनि में जेकर का अहिड़ी नौबत ख़ुदा न ख़ासि अची वई त इहो सोचे माण्हू ॾकी थो वञे त छा थींदो सो फर्दर डिले वुड बी अ डिज़ास्टर नसीर मेमर साहब थैंक यू सो मच सर आबिद सुलेरी साहब आबिद सुलेरी साहब भी असा ज्वाइन कर चुका है थैंक यू सो मच सर आबिद साहब आपने में ज्वाइन किया वेलकम करते हैं आपको सर जी बहुत शुक्रिया आबिद साहब प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं नसीर मेमन साहब हैं परवेज ताहिर साहब हैं और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब फॉर्मर एम्बेसडर भी हमारे साथ हैं आप हमारे साथ ही रहिएगा इनाम भट्टी साहब से कमेंट लेके फिर आपकी तरफ आते हैं सर जी शुक्र थैंक यू सो मच सर प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब अवान जो छा कमेंट आए सर छा एनालिसिस आए जेका सूरत हाल ठहे पई मुल्क जो दिवालो तहां ठीक आए छा बैंकरप्सी तरफ वधू पिया डॉलर्स अदम दस्तियाब आहिन एलसीज न पियो खोलियो वजन मेहरबानी मेहताब आऊं समझा तो नरगो दिवाले तरफ वधू पिया बल्कि इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में आयूं हींअर जेका ही दुखी सूरत हाल आहे उनजो हिकिड़ो वॾो सबबु इहो आहे त जिन दुनिया जे वॾनि ताक़तुनि जे आसिरे ते पाकिस्तान सम्झे पियो त हू पंहिंजो पाण खे मुआशी तौर ते संभाले कढी वेंदो
अज अमेरिका की रिपोर्ट है तो उत खुद सूरताल एतरी खराब थी वही है जो उनकी जो क्रेडिट लिमिट होंगी है जो लोन खड़ा हाँ क्रॉस थी वही है जैसे कर स्पेशल उन्होंने प्रेजिडेंट के कांग्रेस में परमिशन वी पवी उन भी बूरतालू हैं या तो अखराजा घटन या जो है सो नए कर्ज इजाफी वाला कांग्रेस में अप्रूवल वन जहाँ हिंसर सूरताल वो ऑपोजिशन के तरफा उन्होंने दुखी नजर थी अचे जे इ सूरताल उत रही तो उनको वरी असर सारी दुनिया से पवो ए वो बिन महीन के अंदर थियण उन्होंने तकरीबन जो है अप्रैल तीन या सूरताल उन्होंने जैसे बेहतर नी थे तो बाकी दुनिया तो उनके असरा पवंदा इो ही शायद सबब आ जो खुद बेन के कायतरी मदद ना कर सकन सागी सूरताल यूरोप की आ यूरोप के अंदर जो यूक्रेन की सूरताल आका एनर्जी की क्राइसिस जहाँ सूरताल है वो वरी हिंसर सऊदी अरब तुम दिठो तो उनमें एक बी अहम सूरताल थी वह ये तो पाकिस्तान बाहर कड़ी शे मोकले जैसा उनके डॉलर मिलंदा हिंसर शिपिंग कंपनियों के बंद थियण वो सबब जो वो यो एक जे भी कंटेनर अचन था उन्होंने अक्सरियत की वापसी खाली थे थी जैसे कर फ्लाइट्स वधियल बी जो खराब शे थी वह यह है तो जो उन्होंने लैंडिंग पीरियड एक्सटेंड तो कर उनते उनका चार्जिस जो फाइन आ वो फ्राइट का जे ताजर बिरादरी आ वह चे थी असो कंटेनर जो 5,000 डॉलर उन किरायो आ तो 10,000 डॉलर असा फाइन पे करो तो पे जो एल सी ठहल आनल आ क्रेडिट को थे कंपनी क्रेडिट नी थे तेकर वो कंटेनर ओपन न तो थे हाँ जहाँ सूरत हाल आ तो उन सूरत हाल में तो ढी ए उन व्यापारी चवन था भला हिंसर क्रेडिट न कर असो उतो सेलर है वो चे तो भला इंदड़ महीने की असें रुगो वी गारंटी दादा पंजीन या टीन ढीन का ये एल सी तीन क्रेडिट थी तो वो इो भी कर तैयार ना यानी बैंक जो है उन्होंने इो भी कुछ दियण तैयार ना जनवरी के पेरे हफ्ते में तक याद हों उन वक्त इशारो किया पेट्रोलियम जे कंपनियों उन्हें अग में ही चई छो फ्लो हों पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल जो डीजल ए पेट्रोल जो उनो साइकिल ठहल हों उन साइकिल में उसे एलसीज खोले दियणी पवन जैसे उन्होंने किथे भी का ब्रेक थी पी तो जो शिपिंग थी उनमें डिले थी डेफिनेटली स्टोरेज ड्राई थे शुरू थी वो हिंसर जो आई आ ती 13 तारीख की 23 तारीख की जो एलसी आ जो पेट्रोलियम जला बाहर तकरीबन सभी जो पेट्रोलियम कंपनियों पीएसओ समेत उन्होंने सभी की कोई पी थी खुले वो अजा तई न ठही आ जैसे नतीजे में छो तो जैसे 13 या 23 वाली एलसी वह नी खुले नी ठे तो उतना पुठिया शिपिंग को तुम स्टॉक आ वो ड्राई थी यानी जनवरी जो एंड जो उन खबर ना स्टॉक केतो हों अहम शा वह ये तो अज ढी तई अजा तई सोचो भी को भला अस आखिर कंदू क जो सभी अस पिटणों पिटूँ पा तो पैं तो तय किया इजाफी अखराजा किथे आन उन्होंने अखराजा के कटण असा तभी के खबर है तो पाकिस्तान के अंदर वह कड़ी जो कारपोरेशन आ जहाँ आए ही सरकार की न पर तरह भी जो है वो सरमा आ उन अखराजा जो घटबा न तेसी तो कुछ भी नी सो ए मुझे ख्याल में इंटरनेशनल प्रेशर्स भी यही हों जो खुद बहुत धुरियं बाहर चवन थी तो जेतरे तो पाकिस्तान पे पॉलिसीज नजर से नो करे तो तेसि ये शूं बेहतर न थी उनमें रुगो इो को तो अवाम से बर्डन विझण के लिए बाहर कुतूँ ख्वाहिशमंद होंद तो पेट्रोल तेल इन जो बिजली ए गैस जो कीमतू वधाइंद तो को उन खुश थी पर उन्होंने यहाँ खबर आ तो अखराजा किथा घटाइंद जिता तुझी वह इनकम थे शुरू थे बो जो अहम शा यह है तो जैसे तट इकोनॉमिक एक्टिविटी जी है स्लो डाउन थी वी तो टैक्स रिटर्न किथा इंदो जैसे एक्टिविटी तीन स्लो डाउन थी इकोनॉमिक्स की सारी इन बुनियादी उनको यो आ तो जैसे बाहर माल सजो तुम भेजी वो इतना जो बाहर वे वो भेजी वो सूरताल जो इतने लोकल जी जमील साहब बुधाई तो दाल भी विक्रे के लिए मौजूद न होंगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो रेवेन्यू जनरेट किथा थी तो यो सोचो आ इंदर जो ही तो हाँ लास्ट ठीक है इनाम साहब अवां का कंटिन्यू क्यों पा आबिद सुलेरी साहब टाइम कुछ शॉर्ट है उनके वेलकम क्यों आबिद साहब पहले तो मैं थोड़ा सा ये जो मजमू सूरत हाल है उसकी समरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सर शिपिंग लाइन ने अपनी सर्विसेज मुअत्तल करने का इंदिया दे दिया है शिपिंग एजेंट्स ने इशारा किया है एलसीज बंद हैं डॉलर की अदम दस्तियाबी है पीएसओ ने इशारा दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत जो है उसका स्टॉक ख़त्म होने को है
इन्फ्लेशन जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, 31% समथिंग जो है वहाँ तक पहुँच गई है। आम आदमी क्या करे सर, मुल्क की सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? माशाल्लाह इकोनॉमिकली आपका प्रोफाइल बहुत हाई है, आप थिंक टैंक में रह चुके हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, किस तरह देख रहे हैं आप मईशत की इस डाउनफॉल को सर? जी ये बुनियादी तौर पर तो इस वक्त फौरी तौर पर कुछ तल्ख फैसले जो हैं वो हुकूमत को करने होंगे, IMF का प्रोग्राम पे वापस जाना, और उसके बाद फिर ये देखना होगा कि जो आपके स्पेशली हमारा लोअर और लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स हैं उनको किस तरीके से वो जो महंगाई होगी उससे महफूज रखा जाए, क्योंकि IMF के प्रोग्राम का मतलब वापस जाने का मतलब ये होगा कि हम अपने तेल बिजली गैस इसके खसारे को पूरा करें। इसका मतलब ये भी होगा कि हमारा जो इस वक्त रुपए का रेट है जो बैंक में और ओपन मार्केट में और ग्रे मार्केट में 3 रेट चल रहे हैं उसकी जगह सिर्फ 1 रेट जो है वो हो, यानी रुपए की डेप्रिसिएशन, और उसका मतलब ये भी है कि आपका जो रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं हो रहा उसके लिए नए टैक्सेस लगाए जाए। तो ये सारी चीजें डॉलर लाने के लिए बहुत जरूरी है अगर पाकिस्तान को डॉलर चाहिए, जिसकी वजह से ये सारे जो आपने मंजरकशी की वो असबाब पैदा हो गए, लेकिन उसका उससे यकीनन महंगाई होगी, और उस महंगाई से बचाने के लिए आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इस जैसे दूसरे टारगेटेड सब्सिडीज उनको लाना पड़ेगा, और तीसरा हुकूमत को असेस करना होगा कि क्या वो इसका जो पॉलिटिकल बैकलैश है वो बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं, खसूसन जबकि 2 सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन जो हैं वो तैयार खड़े हैं, तो क्या हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत जो है तो नहीं सोचेगी कि ये सारा कुछ करते हुए पंजाब उसके हाथ से निकल जाए या KP में उसकी गिरफ्त जो है वो मजीद कमजोर हो जाए। तो ये काफी सारे ऑप्शन बढ़ते हैं, लेकिन इस पर सोचने का टाइम नहीं है, इस पर फौरी तौर पे हमें मुल्क को अगर दिवालिया होने से बचाना है तो फिर IMF के प्रोग्राम को बहाल करना बहुत जरूरी है। सर फैसले का टाइम नहीं है आपने कहा, लेकिन गवर्नमेंट ने तो गुज़श्ता रोज भी ये फैसले किए कि IMF का प्रोग्राम कंटिन्यू करने के लिए हमें मजीद कुछ सख्त फैसले करने पड़े, तो वो भी करेंगे। किस तरह के सख्त फैसले हमें फौरी तौर पर करने चाहिए इकोनॉमी पर कंट्रोल करने के लिए? सर देखिए, अगर जब हम कहते हैं कि हमें बिजली का खसारा पूरा करना है, यानी महंगे रेट पे बन रही है और उसके लॉसेज एनर्जी सेक्टर डेट को कम करना है, तो कुछ 7.5-8 रुपए एवरेज जो है वो पर यूनिट उसमें इजाफा होगा बिजली की कीमत में। जब हम PDL की बात करते हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की, तो वहां पे डीजल पे 32 रुपए पर लीटर डीजल की कीमत में इजाफा बनता है। जब हम कहते हैं कि डॉलर का रेट बैंक में और मार्केट में सेम हो तो इसका मतलब है कि रुपए की कदर में मजीद कमी आए, और जब हम कहते हैं कि जो FPR के और बाकी जो टैक्स पूरे नहीं हो रहे रेवेन्यू टारगेट, तो इसका मतलब है कि मजीद टैक्स लगे। तो ये वो फैसले हैं जो कि मुआशी तौर पर बहुत जरूरी है, लेकिन सियासी तौर पर करना जो है वो किसी भी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है जिसको कि खुसूसन इलेक्शन का सामना करना पड़ रहा हो। तो गो के हुकूमत ने इंडिया दिया कि वो पूरा करेगी, लेकिन अब देखना ये है कि कितनी जल्दी वो IMF के साथ एक कंप्रोमाइज करते हैं और कितनी जल्दी इस पर अमल दरामद शुरू कर लेते हैं। जी नसीर मेहमद साहब, आबिद सुलेरी साहब सामा कुछ पूछना चाहेंगे सर? जी जी आबिद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे ये तजिया सुन के। ये बताइए कि हम जो आम शहरी हैं, हमें तो ये नजर आता है कि ये एक बहुत क्राइसिस लाइक सिचुएशन है। हमने इस स्केल का क्राइसिस अपने लाइफ टाइम में एटलीस्ट मुझे नहीं याद पड़ा। यू रियली थिंक इट्स अ क्राइसिस लाइक सिचुएशन या एक नॉर्मल सिचुएशन है, इस तरह के बोरान आते रहते हैं जिसको मैनेज किया जाएगा पूरा? देखिए नसीर, ये क्राइसिस लाइक सिचुएशन इसलिए बन गई कि इस वक्त जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल सिचुएशन हमारे इख्तियार से बाहर है। हमने कभी सऊदियों को ये कहते नहीं सुना था कि उनकी इमदाद या उनके जो रोल ओवर है वो रिफॉर्म्स के साथ मशरूत हैं। जो पिछला प्रोग्राम पाकिस्तान ने IMF का पूरा किया था उस वक्त बारक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी, और उसकी वजह से IMF ने 12 वेवर हमें दिए थे, यानी हमने उनकी 12 शर्तें नहीं मानी थी, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया और उसके बावजूद वो हमें कर्जा देते चले गए। तो पाकिस्तान बदकिस्मती से पिछले 75 सालों को अगर हम देखें तो जो रूस के सोवियत यूनियन का क्राइसिस और फिर अफगानिस्तान में जो रशिया वार थी, वार एंड टेरर जो थी, उसकी वजह से हमारे यहाँ डॉलर्स की कभी हमने कमी देखी नहीं थी। तो ये यूनिक सिचुएशन है जिसमें कि अब हमें लग रहा है कि अगर हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं किया तो
तो दुनिया हमें डॉलर नहीं देगी, हमें तो आसानी के साथ डॉलर मिल जाया करते थे कहीं ना कहीं से, तो अब चूंकि वो आसानी खत्म हो गई है तो जाहिर है कि अब आपको ये सारी शराइत जो है ये मानना पड़ेंगी। कल अभी जो एक रूस का हाई लेवल डेलीगेशन यहाँ पे आया हुआ था, रशियन एनर्जी मिनिस्टर जो थे वो आए थे, उनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह भी साइन हुए, तो आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड उसको किन नजरों से देख रहा होगा? तो जाहिर है कि अमेरिका खुल के हमें नहीं कह सकता कि हम रूस के साथ तेल ना खरीदें या उससे एनर्जी ना लें, लेकिन अमेरिका का यहाँ पे बस चलेगा, वहां पे वो हमें टाइट करेगा, और यही वजह है कि वो आपको अब IMF की सारी शराइत जो है वो मानना पड़ेंगी। तो ये जो इस वक्त जियो पोलिटिकल इकोनॉमी में हम फंसे फंसे हैं ना रशिया यूक्रेन वार के बाद, उसने इस क्राइसिस को बहुत यूनिक बना दिया है पाकिस्तान के लिए। अब सब बुनियादी सवाल फिर जहन में एक और आता है कि आखिर कब तक हम दिवालिया होने से बचने के लिए दोस्त ममालिक या पड़ोसी ममालिक से इमदाद तलब करते रहेंगे? सर, जब तक हम अपने आमदनी और अखराजात को एक लाइन पे नहीं लेके आते, जब तक हम महंगी बिजली बना के सस्ती नहीं बेचते, जब तक हम महंगा डीजल महंगा गैस महंगा पेट्रोल लेके सस्ता नहीं बेचते, जब तक हम उन तमाम शोभा है जिंदगी को जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए तो उनको टैक्स नेट में नहीं लाते, तो जाहिर है कि फिर हम मिनी बजट ही बनाते रहेंगे। और जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स जो है उसमें वैल्यू एडिशन नहीं लेके आते जिसके लिए गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक बुनियादी उसका प्री रिक्विजिट है, तो बुनियादी तौर पर इस हुकूमत को भी और इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आती है, एक तो ये आखिरी प्रोग्राम नहीं, इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी वो इससे बड़े टफ IMF प्रोग्राम में जा रही होगी। और सिल्वर लाइनिंग के सारे क्राइसिस की यही है कि शायद हमें वो जो पिछले 30-40 सालों से हम रिफॉर्म नहीं कर रहे थे उसकी तरफ ध्यान चला जाएगा। देखिए शौकत अजीज साहब के जमाने से प्राइवेटाइजेशन रुकी पड़ी है, तो हर वो जमात जो हुकूमत में रही पिछले 30 सालों में उन्होंने अपने दौरे इकतदार में प्राइवेटाइज करने की कोशिश की, और जो ही वो अपोजिशन में गए तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की मुखालफत शुरू कर दी। हर वो पार्टी जो कि हुकूमत में रही वो जब हुकूमत में आती है तो IMF का लोन लेने के पीछे भागती है, जब अपोजिशन में जाती है IMF को गालियां देना शुरू कर देती है। तो हमें इस रवैये को बदलना होगा, हमें कम अज कम इस वक्त जो हमारा डॉलर डेफिसिट और रुपी डेफिसिट वो तो है लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट भी है, उस ट्रस्ट डेफिसिट को तभी खत्म करेंगे जब हमारी सियासी जमातें अपने वोटर्स के साथ मुखलिस हों और उनको बताएं कि जी ये बुनियादी फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने हैं, कोई भी जमात हुकूमत में आए और हम उस पर सियासत नहीं कर रहे होंगे, हम ये रिफॉर्म करने में मदद करेंगे, तो फिर आप इस जो है डिपेंडेंसी से जान छुड़ा सकते हैं, वरना ये सिलसिला लगा रहेगा। आबिद सुलेमान साहब, ट्रस्ट डेफिसिट की आपने बात की, मेरी जानिब से एक लास्ट क्वेश्चन सर क्यूरी, काइंडली इस पर थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। अमेरिका के लिए वाई मतलब पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल पाकिस्तान अमेरिका के मुफादात में क्यों है? अमेरिका के लिए इकोनॉमिकली स्टेबल पाकिस्तान क्यों जरूरी है सर? मतलब पूरी दुनिया के लिए देखिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पूरी दुनिया के लिए ये जरूरी है, यानी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई न्यूक्लियर पावर हो और वहाँ पे अनार्की आ जाए, या कोई न्यूक्लियर पावर हो वहाँ पे कुछ ऐसा माहौल बन जाए कि आपके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो महफूज ना रहें, या कोई न्यूक्लियर पावर हो और वो कि एक्सट्रीम पोजिशन ले जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है ये पूरी दुनिया के मुफाद में है कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबल रहे, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। जी प्रोफेसर डॉक्टर नाम भट्टी साहब, अमा कुछ पूछा चाहेंगे आबिद सुलेरी साहब का? मुझे एक सवाल है आबिद साहब, हम पॉलिटिशियंस की तो बात कर रहे हैं और वो बिल्कुल सही है कि पॉलिटिशियंस में इतनी डेयर नहीं होती कि जब वो सिटिंग गवर्नमेंट में होते हैं तो इतने डिसीजंस लें, तो क्या जो अखराजात हैं वो कहीं और जगह पे नहीं है जो हमें लगता हो कि वो भी हमारे इजाफी हैं और उनको भी कर्टेल करना पड़ेगा, हमारी अफसरशाही हो या नॉन सिविलियन ब्यूरोक्रेसी जो है वो है, और फिर उसमें अभी की जो पोजीशन है, तो क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोडक्टिव यूनिट्स जो हैं इतने काम के हैं कि वो सरमाया बाहर से लाने में कोई मुल्क की मदद करते हो, या सारी इंडस्ट्री सिक होती जा रही है? देखिए जाहिर है कि जहाँ जहाँ पर भी आपको एक्सपेंडिचर कट कर सकते हैं वहाँ पे करने पड़ेंगे, और उसमें कोई सिविलियन या नॉन सिविलियन की तख्सीस नहीं है। जो एक बड़ा मशहूर मकूला है कि एवरी डॉलर सेव्ड इज एवरी डॉलर अर्न्ड, तो आपका जो भी डॉलर बच रहा है जो भी रुपया बच रहा है वो ऐसे ही जैसे कि आप एक रुपया कमा रहे हैं जो आप खर्च नहीं कर रहे।
तो वो तो करना पड़ेगा हमें, उसके बगैर चारा नहीं है। जो हमारे इस वक्त जहाँ पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है वो आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपका ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, ये जो नए स्टार्टअप्स हैं इनमें है, इसमें आपका वैल्यू एडिशन में है। यानी कि एक चीज है कि आप 2 किलो चावल बाहर भेज दें और दूसरा ये है किसी चावल के सीकर बना के भेज दें। आम आपने देखे नसीर मेमन साहब अक्सर हवाई बाहर सफर करते हैं कि थाईलैंड में वो एक पाव का खुश्क आमों का पैकेट होता है जिसकी कीमत हमारे जब एक्सपोर्ट करते हैं हम 1 किलो आम उसके बराबर होती है, तो हम क्यों उस तरह वैल्यू एडिशन में नहीं जा सकते। एक जीन है, आप वही जीन $150 की लेते हैं, वही जीन $10 की लेते हैं, तो जब पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है तो हमें नंबर्स नहीं, हमें उसकी डॉलर टर्म में वैल्यू को देखना होगा। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम वैल्यू एडिशन ला सकें अपनी प्रोडक्ट पे। और वैल्यू एडिशन तब आएगी जब हमारी अपनी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट हो, तो इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट तो आपके पास है नहीं है। यानी कितने यूनिट पिछले 20 सालों में पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के नए लगे होंगे, तो ये उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। तो अगर आपके पास अपना पाकिस्तानी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर कहाँ से इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे आएगा। तो ये कुछ आपकी प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि करना जरूरी है इकोनॉमी को ओवरऑल करने के लिए और इसको रिवाइव करने के लिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि पूरे कंट्री के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं उनके पास प्रॉपर पॉलिसीज नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह हो सकती है और उसके इंडिकेटर कौन से हैं जिन पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो बजाय उसके दूसरी चीज़ों में लगे रहते हैं। देखिए, जो भी हुकूमत आती है, एक जो पाकिस्तान में चीज़ मुस्तकिल है वो एलीट कैप्चर है, तो जो भी हुकूमत आती है जाहिर है कि वो उसको लाने में उसके पार्ट एंड पार्सल इवन अपोजिशन में हुकूमत हो या अपोजिशन हो, कुछ आपके लॉबीज जो हैं वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं और वो हर कोई भी हुकूमत हो उनको प्रोटेक्शन मिलती है। अभी भी तो आपने अपनी चीनी बाहर एक्सपोर्ट कर दी कुछ महीने पहले, अब अगर खुदा न खास्ता कुछ अरसे के बाद मुल्क में चीनी जो है वो शॉर्ट होना शुरू हो या तो फिर आप क्या कर रहे होंगे। तो ये आपके कार्टल्स हैं और आपके वो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो कि अपोजिशन का हिस्सा भी हैं, वो हुकूमत में भी हैं, वो ईवान बाला में भी हैं, ईवान में भी हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, वो हर जगह है और आप उन्हीं को प्रोटेक्ट करते हैं अपनी पॉलिसीज के जरिए। ठीक, नसीर मेमन साहब, आबिद सलीम साहब बड़ी इंपॉर्टेंट गाल कही था, नरगो अमेरिका पर पूरी दुनिया के लिए मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तमाम जरूरी है, मुफाद में है, बुनियादी रीजन यो है अस न्यूक्लियर पावर आयूं। अवां के भी यही लगे पे सर? आबिद की बात में वजन है कि एक हद तक तो हमारा जो न्यूक्लियर होना मसला है कि न्यूक्लियर भी है अनक्लियर भी है और ये बड़ा मुश्किल इम्तिजाज है। इससे दुनिया डरती तो है लेकिन इसका मतलब कतन नहीं है कि मैं कयामत तक दुनिया पालती रहेगी। एक स्टेज आएगी और बल्कि मुझे लगता है कि आ गई है कि अब जो आबिद कह रहे हैं ना कि अगर हम अपना घर ठीक नहीं कर सकते तो फिर कोई आके हमें हमारे घर को ठीक करना शुरू करेगा और फिर हम शिकायत करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। टू लेट। एंड द लास्ट थिंग, आबिद साहब आप मेरी रहनमाई कीजिएगा हम सब की कि वक्त आ गया है कि अब हम बाकी जंगो जदल और अंदरूनी तजादात और फजूलियात से निकल के इस मुल्क को डगर पे लाने के लिए, मुल्क की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ सीरियस सोल सर्चिंग और स्ट्रेटेजी पे काम करें और बाकी चीजों को फिलहाल भूल जाएं। ये बिल्कुल वक्त आ गया नहीं बल्कि बड़ी देर से आया हुआ है कि इस वक्त आपके पास एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म रोड मैप होना चाहिए अगले तीन से पांच साल का, जिसमें के कोई भी जमात हुकूमत में आए या जमाते हुकूमत में आए वो बताएं कि जो सिख इंडस्ट्रीज हैं, जो PIA है, स्टील मिल है, रेलवेज है, इस तरह के डिस्कोज हैं, उनको वो कैसे बहाल कर रहे होंगे, जो कि हमें बता रहे हों कि ये जो बिजली के या गैस के जो बिल्स वो रिकवर नहीं कर पाते उसको वो कैसे रिकवर कर रहे होंगे, जो हमें बता सके कि ये जो इनकम ऑन एग्रीकल्चर है, मैं एग्रीकल्चर टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं उसमें इनकम की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए वो क्या उनके पास लाया मतलब होगा, जो हमें बता सके कि जो 1000 गज 1200 गज 4-4 एकड़ के जो कनाल के जो घर हैं अगर उनका पानी का बिल जो है वो भी फिक्स रेट पे आता है 500 रुपए 600 रुपए तो उसको वो कैसे दुरुस्त कर रहे होंगे। तो हमें ओवरऑल इसको ठीक करना है, ये पीस मिल तरीकों से अब ठीक नहीं होगा। ये अब IMF का अगर ये प्रोग्राम बहाल होता भी है तो ये आपके फर्स्ट एड बैंडेज होगा एक मेजर हेमरेज के बाद, जो कि आपको शायद
इलेक्शन तक ले जाए, लेकिन जैसा कि इलेक्शन के बाद का जो आईएमएफ का प्रोग्राम होगा वो ज्यादा टफ होगा और उसमें इससे ज्यादा रिफॉर्म करना होगी। वरना नसीर ने जो बात इशारतन कही, मुझे वो बात कहने में कोई आर नहीं कि दुनिया अभी तक तो हमें इसलिए बचा रही है कि हम एक न्यूक्लियर एसेट है। एक वो स्टेज भी आ सकती है कि दुनिया ये समझे कि दीवाने के हाथ में ये एक खुदकुशी के लिए आला मौजूद है और इस आले को उससे बचाओ। तो खुदा न खास्ता वो हालात ना आ जाए कि हम अपने इस एसेट से भी वो महरूम कर दिए जाए। तो हमें इस पर बड़ी ये इट इज अ प्योर सिक्योरिटी जो इस वक्त थ्रेट है। तो इट्स नॉट नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, इट्स प्योर सिक्योरिटी थ्रेट। हमें जाहिर है कि हम एक न्यूक्लियर पावर है और उसको हमें मेंटेन रखना है, और ये हम तभी मेंटेन रख पाएंगे अगर हम अपनी इकोनॉमी जो है उसको स्ट्रांग कर सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलेरी साहब, आबिद कईम सुलेरी साहब, आपने टाइमली से बातचीत की, हमारी रहनुमाई भी की और इतना ज़बरदस्त तजिया और तजावीज़ जो हैं वो हमसे शेयर की। नसीर मेमर साहब हमारी जी बड़ी मेहरबानी। प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब लास्ट में अवां कुछ कमेंट करना चाहिंदो। जी मेहता मुँह सिर्फ यो पे चयो त जिए सरकार ते ऐं ॿियनि ते त असां उन्हनि ते त चऊं था, पर हाणे वाकई में असांखे जेको आम माण्हू आहे उनखे बि सोचणो पवंदो त हू बि पंहिंजी थोरो लग्ज़रीज़ जेके आहिनि ऐं जेका माज़ी में जेको जीअं गुज़ारे थो उनखे थोरो उन्हनि खे पंहिंजे ज़िंदगी जे ज़रूरियात खे थोरो कर्टेल करिणो पवंदो। ऐं इहा हक़ीक़त आहे त जेकॾहिं इहा सूरत हाल जेकॾहिं असां इन मां घणो वक़्तु उन मां गुज़रियासीं त ॾाढी तबाही थींदी, पर जे संभाले हलियासीं त असीं पाण उन मां निकिरी सघूं था। मिसाल तौरु जेकॾहिं हिकिड़े ई वक़्तु घर जा चार भाती चार गाॾियूं कढी चइनि हंधनि ते साॻे ई रस्ते ते वञनि था, त जेकॾहिं उहो इन जे बजाए सोचनि त हिकिड़ी गाॾी में चारई ॼणा चढ़ी हिक ॿिए खे ड्रॉप कंदा ऐं वापसी ते वरी खणंदा अचनि, त इन सां केतिरो फ़र्क़ु पइजी सघे थो। इहा हिकिड़ी सोच आहे जेका ख़ुदि सोसाइटी जे अंदरि बि वधणु खपे। जेकॾहिं ईअं न थींदो त हिकिड़े पासे सरकार जो त आहे ई आहे, पर मेजॉरिटी जेका आहे असां पब्लिक बि आहियूं जेके उन जा कंज्यूमर आहियूं, ऐं असांजी जेका कंज्यूमेबल्स में ख़ासि करे उहे प्रोडक्ट्स जेके सॼे जूं सॼियूं ॿाहिरां अचनि थियूं, ऐं असां जेकॾहिं उन्हनि जो ईअं इस्तेमालु कंदासूं जीअं माज़ी में कंदा रहिया आहियूं त पोइ ॾाढी सूरत हाल ख़राबु थींदी। तंहिं करे जेकॾहिं असां थोरो आम माण्हू बि इन में थोरो पाण खे संभालनि ऐं सरकार ते बि प्रेशर इहो वधणु खपे त हू पंहिंजूं पॉलिसियूं दुरुस्त कनि। हींअर ताईं जेका हुननि जी अञा ताईं इक़्तदार ऐं कुर्सी जी रसाकशीअ में मुल्क जो सॼो ॾेवालो कढी छॾे थो, ऐं हाणे बि अञा ताईं सूरत हाल जेकॾहिं इहा ई रहे थी त पोइ मूंखे नथो लॻे त का बहितर शइ थी सघंदी, ऐं अकुल जा नाखून जेके चवंदा आहिनि वठणु घुरिजनि। ऐं हींअर असांखे सभिनी खे इहो सोचणो पवंदो, ऐं मुंहिंजे ख़्याल में त पाकिस्तान जे अंदरि हिकिड़ो ग्रैंड इकनॉमिक डायलॉग थियणु खपे जंहिंमें सभिनी धुरियुनि खे उन्हनि खे वेहणु खपे, पॉलिटिकल ऐं ॿियूं जेके बि आहिनि पंहिंजो एक्सपर्ट्स आहिनि जेके उन्हनि जा उन्हनि खे वेही करे इन्हनि जो रोडमेप बि तय करणु खपे, ऐं जेकॾहिं का हुकूमत उन्हनि रोडमेप्स ते हले थी त ठीकु आहे, नथी हले त पोइ उन्हनि खे घटि में घटि ॿुधाइणु खपे त तव्हांजो ईंदड़ मुस्तक़बिल बाक़ी केतिरनि ॾींहनि ताईं हली सघे थो। जी मेहता ठीकु आहे। प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब, नसीर साहब अवां कीअं कंक्लूड कंदो प्रोग्राम खे? सर मेहता, जेका हीअ सॼी सूरत हाल नज़र अचे थी, मां सम्झां थो त हीउ वक़्तु आहे त सभु खां पहिरियों जेके बि स्टेक होल्डर आहिनि पाकिस्तान जा, जंहिं ग्रैंड डायलॉग ॾांहुं इनाम ॻाल्हि कई, मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हाणे उनखां सा ऑप्शन कोन्हे त हिकु भेरो वेही सभु पंहिंजे पंहिंजे हिसे मां कुझु शयूं तरक़ करण लाइ तयारु थियनि, ऐं उहो सभिनी खे करिणो पवंदो। अवाम बि करे, सियासतदान बि करे, ॿिया सभु इदारा बि कनि, छो त हाणे जॾहिं ख़ुदा न ख़ासि टाइटेनिक ॿुधंदो त पोइ त केर बि न बचंदो न घटि ख़र्च वारा, न वधि ख़र्च वारा, न अमीर, न ग़रीब, न दींगा, न सादा। सो हीअ नौबत उते अची वई आहे, ऐं सीरियसली पाकिस्तान खे हिकु इकनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग ऐं रीबिल्डिंग जी ज़रूरत आहे, ऐं अर्जेंटली रिक्वायर्ड आहे। ऐं हिकु घड़ीअ लाइ सम्झणु घुरिजे, जीअं ॻोठनि में थोरो ॾुखियो मिसाल थो ॾियां, त जॾहिं को वॾड़ो गुज़ारे वेंदो आहे त पोइ ॿारनि खे चवंदा आहिनि त हाणे तव्हां पंहिंजे पेरनि ते आहियो, पाण संभालजो, हाणे संभालण वारो न रहियो अथव। इहो आख़िर में असां नंढपण में ॻोठनि में ॿुधंदासीं, पोइ असांखे सम्झणु घुरिजे त हू जेके पालण ऐं संभालण वारा से हथ कढी चुका, जे गुज़ारे न पियो आहे त मोकिलाए ज़रूरु विया आहिनि। बिल्कुलु। सो जेकर असांखे पंहिंजो घर ठीकु करिणो आहे, ॾुखिया फ़ैसिला करण लाइ तयारु आहियूं, ग़ैर मामूली खपनि, न त मामूली पइजी वेंदासीं। बिल्कुलु ठीकु नसीर मेमर साहब। वेंटीलेटर ते वञण खां अॻु में इहे सभु शयूं थियणु खपनि, वेंटीलेटर ते वञण खां पोइ शायदि ई पोइ वरी बची सघे। सर सिनेरियो जेको पेश कयो न आबिद सुलेरी साहब, उन्हनि त एतिरो बि चई ॾिनो त हाणे फ़ैसिले करण जो बि वक़्तु न आहे, मतिलबु पाणी जेको आहे उहो
मथे का गुजरी चुको है फौरी तौर से कुछ न वे तो घो कुछ थी सके तो मतलब दोस्त मुल्क केस तीन असि मदद कदा रहा वही मेहरबानी सर नसीम मेहमद साहब प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब आबिद सुलेरी साहब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब स्पेशल एडिशन में गाल बोल कई नाजरीन त मुल्क जो है उनकी मईशत जड़े तेजी से अदम इस्तेहकाम तरफ वधे पई महंगाई जो तेजी से वधी रही है जेके दोस्त मुल्क उनको मदद करण का इनकार कर इशारतन उनखां पोइ मुल्क की सूरतहाल किथे वही बीहंदी बेसिकली थे पो सीधो सो असर जो है इनको आम मानू ते गरीब मानू ते पवे तो डॉक्टर जमील अहमद खान साहब दिलचस्प तजवीज़ू दिन तो उन्होंने बोरिंग कराने शुरू कर दिनी है जो पानी के बिल का बचन भले खारो पानी अचे उन्होंने चवण त साइकिलू वठन पाया तो जी पेट्रोल जो खर्चो जो है पेट्रोल जो बोहरान पैदा थे पैर उनते भी जब्तों आने सकते उन अलावा आबिद सुलेरी साहब जे रिनोन इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कुछ अहम तजवीज़ू दिन तो इन्हें अमल दरामद कर फौरी तौर से सूरतहाल के कंट्रोल जरूर कर सके तो जेकर इन में बाहर निकरण में अना वक्त भी लगे पर कोई भी कंट्रोल थी सके तो इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चर और रीबिल्डिंग की जरूरत से भी जोर दिनों है नसीर मेहमद साहब ए प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब सैटरडे स्पेशल एडिशन व्यूज़ टाइम जो अवे सामू इंदर प्रोग्राम तीन इजाज़त अल्लाह निगहबानी।